हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट ब्यूट एनालिटिक शेयर के बारे में। तो अभी हम इस शेयर पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपको सही से सही बता सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शेयर में लगातार गिरावट हुई है। ये शेयर जब से अपना हाई बनाया उसके बाद से लगातार डाउन है। ये शेयर आया था नवंबर 21 में आया था और उसके बाद से लगातार डाउन ट्रेंड में आया है। यहाँ हाई बनाया है इसे 754 रुपये का, उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड में आया। अभी जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं वो सोच रहे हैं करें क्या। दोस्तों, मैं आपको इस पर ट्रेंड लाइन डाल के दिखा देता हूँ। ये शेयर यहाँ तक लगातार डाउन ट्रेंड में चला, उसके बाद इसने थोड़ा रिकवरी करी और अभी साइड रेंज है। अगर एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो अभी शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है। कौन सी रेंज है? ये वाली सेट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी कहाँ खरीदारी के मौके इसमें बन सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये है, अभी मैं एक लाइन दे देता हूँ। ये है सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट ये है। लगभग यहाँ से शेयर आता है और वापस लौटता है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो ये बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा। छोटा सा दूसरा रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, अगर एक रेजिस्टेंस और देखें तो एक रेजिस्टेंस ये भी बन रहा है, ये वाला। तो अभी शेयर क्या है, इस रेंज में। अभी शेयर ने क्या किया, एक डब्लू पैटर्न बनाया, ये वाला। यहाँ आप देख पा रहे हैं डब्लू पैटर्न बनाया था, जिसको छोटे टाइम में आप देख सकते हैं डब्लू पैटर्न बनाया। उसके बाद शेयर ऊपर गया लेकिन फिर से वापस आया, निकल गया। तो ये इसकी नेकलाइन थी, ये वाली, ये नेकलाइन इसने ब्रेक की, वापस गया लेकिन एक गैप डाउन खुला और शेयर नीचे आ गया। तो अभी मेरी शेयर में क्या सलाह है, मैं आपको बता दूं। शेयर यहां से आया है तो नीचे आएगा, यहां सपोर्ट लेगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर सपोर्ट ले, जैसे यहां लिया हुआ। तो आप जैसे ही यहां सपोर्ट लेकर के वापस रिकवर करता है तो आप खरीदारी करें और अपना ये वाला टारगेट डिसाइड करें 361 का। अभी 332 रुपए पर, 33 रुपए पर क्लोजिंग शेयर ने दी है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर दे इस रेजिस्टेंस को, तो अगला टारगेट आप 389 या 90 रुपए के आसपास का देख सकते हैं। तो अभी शेयर नीचे जाने वाला है, अभी शेयर में खरीदारी ना करें तब तक के यहाँ ना आ जाए 305 या 307 तक, मतलब 310 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकवरी शुरू हो गई है तो, अगर लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो फ्रेंड्स खरीदारी ना करें, नुकसान आपको हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आप मूविंग एवरेज भी देख पा रहे हैं, मूविंग एवरेज से शेयर नीचे चला गया प्राइस। तो RSI भी 39 पे आ गई। तो बड़े सोच समझ कर शेयर खरीदिएगा, पैसा आपका नुकसान होता है, फिर आप देख नहीं पाते और मार्केट से भाग जाते हैं। मार्केट में बहुत पैसा, आप इतना पैसा कहीं नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैसा इतना है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितना पैसा है। तो दोस्तों सोच समझ कर इसमें करिएगा। जैसे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। जानकारी और सोच समझ कर अगर आप स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।